नमस्कार दोस्तों, मैं विकी, आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो प्रिंट आउट करने में आपको ब्लर प्रॉब्लम आ रही है, उसका सलूशन क्या है, कैसे चीज़ें काम करती है, कौन कौन सी इसमें प्रोसेस होगी, क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कहां से इसका सलूशन किया जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे और हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ होगी। उससे पहले बता दूँ कि अभी तक आपने हमारा ये चैनल आर्ट बालाघाट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और यहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा उसके लेफ्ट में सब्सक्राइब के बाद, उसे भी प्रेस कर लो ताकि यहाँ पर मैं जब भी वीडियोज़ कोई भी चीज़ें पोस्ट करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने ये चीज़ पोस्ट किया है। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, उसमें से मुझे लगा कि भाई ने कमेंट किए थे, इनका कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ये, इसीलिए मुझे लगा कि इस कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए। रिसेंट वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था कि ब्रो, फोटो में प्रिंट मैं जब देता हूँ तो कैनन का जो प्रिंटर है G2000, उसमें प्रिंटर ब्लर आता है, इसके ऊपर में या धुंधला आता है, तो उसके ऊपर में एक वीडियो बनाए और जल्द से जल्द बनाने को कहा था मनीष कुमार भाई ने। तो यार, ऐसा नहीं है कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, बस थोड़ा समय का प्रावधान होता है, इस वजह से चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी मैं उस चीज़ को जल्दी से जल्दी ठीक करने की सारी कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ऐसी ना आए और मैं जल्द से जल्द आपका सारा सॉल्यूशन निकाल के बता सकूँ कि कहाँ चीज़ें कैसे कैसे काम करेगी। यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लिया है, ये फ़ोटो मैं लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको लेने वाला हूँ, इस फ़ोटो को मैं लूँगा और यहाँ से मैं इसका कॉपी बना लूँगा डुप्लीकेट करके, और डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद मैं इसको 4:6 में क्रॉप कर लूँगा। देखेंगे, यहाँ से मैं 4:6 में क्रॉप कर लूँगा और जैसे ही मैंने क्रॉप किया ये फ़ोटो छोटी हो गई। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये फ़ोटो ऑलरेडी जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये ब्लर दिख रही है। अगर आप 480p या 720p पे देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि इसके पिक्सल्स फट रहे हैं और ये जूम उतने अच्छे क्लैरिटी से नहीं हो पा रही है। उस चीज़ का तोड़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से इधर पर आना है क्रॉप में और यहाँ जो रिजोल्यूशन मैंने 150 का रखा था, यहाँ 300 या 400 का रखना अनिवार्य होगा। ये देखेंगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, ये एडजस्ट किया, इंटर किया। अब आप देखेंगे, ये जो फ़ोटो डाला था मैंने, ये जो फ़ोटो डाला था अभी, उसमें और इसमें अंतर कहाँ है ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। यहाँ से मैं इसको फिक्स करके थोड़ा फ़ोटो बड़ा कर लूँ और अब मैं यहाँ पर कंपेयर करके दिखाऊँगा आप लोगों को कि ये जो पहले था और अब था, इसमें अंतर कहाँ है। इसको जब जूम कर रहा हूँ तो इसके पिक्सल्स फट रहे हैं, लेकिन अगर इस वाली फ़ोटो को देखा जाए तो 80% चांसेस है कि इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। और जैसे आपको यहाँ पर देखेंगे कुछ ब्लर सीन दिखाई देगा, अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से, और वो जो फ़ोटो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये मेरे फ़ोटोशॉप का सेटअप है, इस वजह से चीज़ें यहाँ पर आपको उतने बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप कम रिजोल्यूशन पे फ़ोटो को क्रॉप करते हैं तो फ़ोटो कुछ इस तरह से हो जाती है। तो ये तो बात हो गई ये वाली चीज़। उसके अलावा क्या करेंगे आप, अगर जब भी आप यहाँ पर प्रिंट में आते हैं और प्रिंट आउट करने की कोशिश करते हैं, चाहे प्रिंटर कोई भी हो, कैसे भी हो, कैसे भी काम कर रहा हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को नोटिस करना है। वो चीज़ सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ पर देखेंगे 5x11 का इंच में साइज़ दिया है, ये 8.5x11 का ये है जो साइज़ दिया है, लेकिन मुझे ये साइज़ नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। अगर मैंने 4:6 लिया है तो मुझे 4:6 चाहिए होगा। तो प्रिंट में आना है और यहाँ से इस चीज़ को सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ आएंगे और यहाँ से मैं पोर्ट्रेट मोड का अगर साइज़ लूँगा तो मेरे को जो साइज़ लगेगा वो साइज़ मैं लूँगा, लेकिन यहाँ प्रिंटर सेट नहीं है इसलिए साइज़ नहीं आएगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर सेंटर का जो बटन है और स्केल फिट मीडिया जो लिखा है, ये स्केल फिट में हमेशा रखेंगे और प्रिंट एरिया भी चेक कर लेंगे कि यहाँ से कितने एरिया में क्लिकेड है। और उसके साथ साथ यहाँ कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ से देखेंगे ये वाली चीज़ सिलेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पर ये वाले जो कलर मैनेजमेंट का है, मैनेज का है जो कलर वाला, ये वाली चीज़ सिलेक्ट रखेंगे, फ़ोटोशॉप नहीं रखेंगे, ये
प्रिंटर कलर में रखेंगे। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने मिल सकती है, आप अपनी सुविधा अनुसार अपने प्रिंटर की सेटिंग चेक कर लेंगे। बिल्कुल आसान है और प्रिंट ब्लर होने का कारण कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिजोल्वेशन होता है। और आपके प्रिंटर का प्रिंट सेटअप जो कर रहे हो आप, जिस टाइम में आप सेट कर रहे हो प्रिंट को, वही मेथड आपको बताएगा कि आपका प्रिंट कितना बढ़िया आने वाला। और सिर्फ यहाँ प्रिंट में क्लिक करके या डन में क्लिक करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं सिंगल वे में। मुझे लगता है ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर तो भी नहीं समझ में आती तो आप लोग स्टूडियो चलाते हैं, आप किसी हार्डवेयर वाले से संपर्क करें, हेड क्लीन करके देगा वो। अगर आपको हेड क्लीन करना आता है तो वो कर लीजिए, उससे क्लीनअप होगा। और इंक को रिफिल जरूर कर लीजिए। रिफिल मीन्स होता है प्रिंटर में एक चीज़ होती है इंक एडजस्टमेंट की, वो जरूर कर लीजिए, ताकि अगर किसी बॉक्स में किसी सही में अगर इंक जम गई हो या कोई और प्रॉब्लम हो या किसी पार्ट में सही से इंक नहीं जा पा रही हो, तो वो भी रिफिल होकर बेहतर क्लैरिटी दे सकेगा और ब्लरिंग वाली जो चीज़ थी, ब्लर धुंधला जो आता है, वो चीज़ ना आके एकदम एक्चुअल कलर टोन और एक्चुअल क्लैरिटी आपके सामने देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ यार कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मुझे लगता है हर वो नॉलेज मैं दूंगा स्टूडियो से रिलेटेड जो आप सभी को ज़रूरत पड़ सकती है। साथ में आपको आर्ट बालाघाट की ऑफिशियल वेबसाइट में PhD फाइल डाउनलोड करने का 100% G9 मेथड मैंने बता दिया है कि कैसे आसानी से फाइलें डाउनलोड करना होता है, और मैंने फाइलें पब्लिश करना भी शुरू कर दिया है। जाके देखो, वीडियोस को वॉच करो, वहां पर मैंने पासवर्ड बताया है, और फाइल को डाउनलोड करके उस पासवर्ड से उसको एक्सट्रैक्ट करो और यूज़ करो। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें अब तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो बस यार, आज के वीडियो में सिर्फ यही चीज़ थी। कैसा लगा ट्यूटोरियल कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फिल्टर बाय करना हो, सॉफ्टवेयर बाय करना हो, भाई बैठा है इंस्टाग्राम पे आके तुरंत बात करो। बिल्कुल कम प्राइस में, चीपेस्ट प्राइस में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा। अगर आपको प्रीमियम चीज़ें सीखनी है, प्रीमियम क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन रिमोट कंट्रोल चाहिए, आपको रिमोट पीसी में रिमोट चाहिए, या किसी भी प्रकार से हेल्प चाहिए, तो मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। इंस्टाग्राम पे आके बात करो, बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में आपका फुल सपोर्ट, फुल सॉफ्टवेयर लर्न कराने की मेरी गारंटी है। तो बस यार, आज के वीडियो में सिर्फ यही चीज़ थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताना। कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।